नमस्कार बच्चों. सो इन दिस सीरीज ऑफ क्वेश्चन पेपर डिस्कशन टुडे वी विल डिस्कस क्वेश्चन पेपर ऑफ क्लास फिफ्थ ईवीएस. प्रीवियस ईयर का पेपर है ये आपका केवी का, तो थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा आपको कितना आता है. पेपर आप देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन करेंगे आगे, क्योंकि एक जल्दी एक आपकी क्विज आने वाली है जिसमें कि पीटी वन में जितना जहाँ तक आपका सिलेबस आएगा उन सभी चैप्टर्स के एक मिक्स्ड आपकी क्विज तैयार होगी. इससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आप में आपसे उसमें पूछे जाएंगे. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. आप ऑलरेडी लास्ट जो क्लास फोर्थ एंड थर्ड में ईवीएस के बहुत सारे पेपर्स आपने दिए होंगे, तो आपको पता होगा पेपर का बाइफर्केशन क्या है. आपका 10 मार्क्स आपके आते हैं ऑब्जर्वेशन एंड रिपोर्टिंग के, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपको पता होगा कि हमेशा ईवीएस में जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो पिक्चर बेस्ड होता है. आपको पिक्चर्स दी होती है, मैचिंग करनी होती है, नाम लिखने होते हैं, उनके बारे में कुछ वन लाइन लिखनी होती है. ओके, 15 मार्क्स होता है आपका आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन, आप चीज़ों को कितना आइडेंटिफाई कर पाते हैं और फिर उनको क्लासिफाई कैसे करते हैं. नेक्स्ट इज डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स, आपको जो फैक्ट्स है ईवीएस के साइंस के उनके बारे में कितनी नॉलेज है. टोटल आपका 40 मार्क्स का पेपर है, 90 मिनट्स इसकी ड्यूरेशन है, सेम जैसे बाकी क्वेश्चन पेपर्स की होती है आपकी पीटी वन में. तो चलिए लेट्स बिगिन नाउ, स्टार्ट करते हैं. उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जल्दी से वीडियो के नीचे राइट साइड में रेड कलर से अगर सब्सक्राइब लिखा है आप उसको टैप कर देंगे, जिससे नेक्स्ट टाइम कोई भी वीडियो आती है तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा. ओके, लेट्स बिगिन नाउ, स्टार्ट करते हैं. देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, मैच द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स इन इंडिया विद इट्स स्टेट. आपको कुछ नेशनल पार्क्स दिए हुए हैं, आपको उनके स्टेट से उनको मैच करना है. इधर आपको स्टेट्स के नाम दिए हुए हैं. नेशनल पार्क्स आपको ज़रूर पता होने चाहिए, आपके एक चैप्टर में भी ये दिए हुए हैं. तो द वेरी फर्स्ट पार्क इज़ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और इसमें मैं कुछ आपको एक्स्ट्रा चीज़ें भी बताऊंगी. जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है आपका दैट इज़ इन उत्तराखंड. ओके, उत्तराखंड में है. और एक एक्स्ट्रा और आप इसके बारे में जान लीजिए कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये भी आपको पता होना चाहिए, जनरली ये भी क्वेश्चन आ जाता है. इट इज़ फेमस फॉर बंगाल टाइगर्स. ओके, अगर आपको नहीं पता तो आप कहीं कॉपी पेंसिल लेके बैठिए, जल्दी से नोट कर लीजिए, क्वेश्चन आपके क्विज में भी मैं पूछने वाली हूँ. जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है आपका, और बंगाल टाइगर्स के लिए बहुत फेमस है ये. नेक्स्ट इज गिर नेशनल पार्क. गिर जो नेशनल पार्क है ये आपका गुजरात में है, आप ऐसे याद कर सकते हैं, जी फॉर गिर, जी फॉर गुजरात. तो यहाँ पे आप गिर को आप गुजरात से मैच कर देंगे, वेयर इज़ गुजरात, ये रहा. ओके, और गिर नेशनल पार्क जो आपका ये एशियाटिक लायंस के लिए बहुत फेमस है, एशिया के जो हमारे लायंस हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं. ओके, नेक्स्ट है आपका सुंदरबन नेशनल पार्क. सुंदरबन नेशनल पार्क आपका कोलकाता में है इन वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल ये रहा आपका. सो सुंदरबन नेशनल पार्क को आप वेस्ट बंगाल से मैच कर देंगे. ओके, सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में है, और सुंदरबन भी आप हमारा जो रॉयल बंगाल टाइगर्स हैं क्योंकि बंगाल में है उन्हीं के लिए फेमस है. नेक्स्ट है हमारा बांदीपुर नेशनल पार्क. बांदीपुर नेशनल पार्क आपका एलिफेंट्स और थोड़ा सा इसमें स्मॉल पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स के लिए फेमस है ये. और बांदीपुर नेशनल पार्क जो है आपका दैट इज़ इन कर्नाटका, वेर इज़ कर्नाटक सामने ही है ये रहा. सो बांदीपुर नेशनल पार्क आपका कर्नाटका में है, ये भी आपको ध्यान रखना है. नेक्स्ट है आपका पेरियार नेशनल पार्क. पेरियार नेशनल पार्क आपका केरला में है, ये रहा केरला, और यह एलिफेंट्स की पॉपुलेशन के लिए बहुत फेमस है. नेक्स्ट है हमारा लास्ट रणथंबोर नेशनल पार्क. रणथंबोर नेशनल पार्क आपका राजस्थान में है, सबसे ऊपर है राजस्थान, तो रणथंबोर को आप राजस्थान से मैच कर देंगे. और ये भी जो है आपका दैट इज़ ऑल्सो फेमस फॉर टाइगर्स, टाइगर्स के लिए ये बहुत फेमस है. तो ये जितने भी नेशनल पार्क्स हैं ये आपको ध्यान रखने हैं. जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क सबसे पहले, ये आपका उत्तराखंड में है. नेक्स्ट इज़ गिर, गिर आपका गुजरात में, जी फोर गिर, जी फोर गुजरात. नेक्स्ट इज़ सुंदरबन, सुंदरबन नेशनल पार्क आपका वेस्ट बंगाल में है. नेक्स्ट इज़ बांदीपुर, बांदीपुर कर्नाटका में है. नेक्स्ट इज़ पेरियार, दैट इज़ इन केरला. नेक्स्ट इज़ इन रणथंबोर दैट इज़ इन राजस्थान. ओके, इसमें आपको जिम कॉर्बेट के बारे में पता होना चाहिए, ये फेमस है आपके बंगाल टाइगर्स के लिए. और आपको इसमें एक सुंदरबन का पता होना चाहिए, सुंदरबन भी आपका रॉयल बंगाल टाइगर्स के लिए ही फेमस है. ओके, ये दो नेशनल पार्क्स आपको ध्यान रखने हैं जो बंगाल टाइगर्स के लिए फेमस है. चलिए आगे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड क्वेश्चन आपका, व्हाट इज़ देयर वर्क. आपको दो डिफरेंट उसके लोगों के नाम दिए हुए हैं, आपको बताना है उनके काम क्या है. द फर्स्ट वन इज़ सपेरा. सपेरा स्नेक चार्मर स्टोरी, स्टोरी ऑफ अ स्नेक चार्मर, ये आपके बुक का चैप्टर है. तो आप बताइए स्नेक चार्मर का काम क्या होता है. तो स्नेक चार्मर क्या करता है, दे हिप्नोटाइज करते हैं ये. एक सेकेंड, वेट अ मिनट.
हिप्नोटाइज करते हैं ये स्नेक्स को बाय स्नेक्स बाय बीन। इनके पास जो बीन होती है उसमें बीन एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो जब बजता है तो स्नेक्स हिप्नोटाइज हो जाते हैं देन स्टार्टेड डांसिंग। नेक्स्ट इज मदारी। मदारी क्या करता है? मदारी एंटरटेन करती है, ट्रेन करते हैं वेरियस एनिमल्स को, ट्रेन एनिमल्स जैसे कि आपके मंकीज हो सकते हैं, आपके बेयर हो सकते हैं, इनको ट्रेन करते हैं टू एंटरटेन पीपल। और दोनों ही लोग आपके जो सपेरा है स्नेक चार्मर्स और मदारी दोनों ही क्या करते हैं लोगों को एंटरटेनमेंट के लिए एनिमल्स को यूज़ करते हैं टू एंटरटेन पीपल। जिस पे कि आपको पता होगा अभी बैन लग गया है, अभी गवर्नमेंट का लॉ है कि आप किसी भी एनिमल को एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ नहीं कर सकते, पकड़ के नहीं रख सकते हैं, जो कि आपने स्नेक चार्मर स्टोरी में पढ़ाई होगा। एनिमल हंटिंग और इन सब पे बैन है एज़ पर द लॉ, तो इन दोनों के बारे में आपको पता लग गया होगा। नेक्स्ट आते हैं हमारे व्हाट डज इट मीन न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स का क्या मतलब है? न्यूट्रिएंट्स का मतलब है अ सब्सटेंस यूज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव एंड ग्रो, टू सर्वाइव एंड ग्रो। जो चीज़ आपको सर्वाइवल के लिए, जिंदा रहने के लिए और ग्रोथ करने के लिए ज़रूरी है उसको हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। 6 हमारे बेसिक न्यूट्रिएंट्स हैं, 6 के 6 के नाम आपको पता होना चाहिए। द फर्स्ट वन इज़ कार्बोहाइड्रेट्स, लिख लीजिए अगर आपको नहीं पता है तो, कार्बोहाइड्रेट्स। सेकेंड इज़ फैट, फैट जो आपको घी इन सब से मिलता है, कार्बोहाइड्रेट्स जो कि आपको पोटैटो इन सब से मिलता है। थर्ड वन इज़ प्रोटीन, प्रोटीन्स जो कि आपकी दालें पल्सेस वगैरह में बहुत होता है। नेक्स्ट वन इज़ विटामिन्स, एक सेकेंड, वाइटमिन्स। नेक्स्ट इज मिनरल्स, 5th वन इज मिनरल्स, एंड लास्ट इज नंबर 6 इज वाटर। ये हमारे 6 बेसिक न्यूट्रिएंट्स हैं, इन 6 के 6 के नाम आपको पता होने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, वाइटमिन्स, मिनरल्स एंड वाटर। ओके चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट इज टेस्ट बर्ड्स। टेस्ट बर्ड्स क्या होते हैं? तो टेस्ट बर्ड हमारी टंग में कुछ नर्व्स होती है विच प्रोवाइड सेंस ऑफ टेस्ट। तो आप क्या लिखेंगे इसका आंसर में? नर्व्स ऑन या इन टंग, टंग में जो नर्व्स होती है हमारी विच प्रोवाइड सेंस ऑफ टेस्ट। किसी चीज़ का टेस्ट कैसा है वो आपको उन्हीं से ही पता लगता है। ओके ठीक है, आपके टेस्ट बर्ड्स हो गए। नेक्स्ट आगे आते हैं आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन। देखिए अभी 2-3 दिन पहले मैंने जब आपकी एक वीडियो डाली थी स्नेक चार्मर स्टोरी के क्विज की, उसमें मैंने आपको बताया था और आपकी बुक में भी आपको दिया हुआ है कि इंडिया में सिर्फ 4 टाइप के स्नेक्स हैं जो कि पॉइजनस हैं। ठीक है, उन चारों की आपको पिक्चर दी हुई है, मैंने आपको वहाँ पिक्चर भी दिखाई थी और एक एक के नाम भी आपको बताए थे। तो देखिए पेपर में वही क्वेश्चन आया हुआ है, आपको पूछा हुआ है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्नेक्स एंड गिव देम नेम्स, इन स्नेक्स को पहचानो और इनके नाम दो। तो अगर आपने वीडियो अच्छे से देखी आपको चारों के नाम पता होंगे, नहीं पता तो अभी मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, आप चारों को ध्यान से देख लीजिए और इनके नाम सुन लीजिए। सबसे पहला ये है आपका रसल वाइपर, रसल वाइपर, यहाँ पर लिख देती हूँ एक सेकेंड, रसल VIPER वाइपर। ओके सेकेंड ये है आपका कॉमन क्रेट, कॉमन KRAIT क्रेट। ओके नेक्स्ट थर्ड वन इसको तो आप पहचानते होंगे, ये है हमारा कोबरा, कोबरा कॉमन कोबरा जो होता है। और लास्ट ये है हमारा सॉ स्केल्ड वाइपर, दोनों ही वाइपर्स हैं ये और ये, सॉ स्केल्ड SCALED वाइपर। ओके तो ये 4 टाइप के स्नेक्स हैं जो इंडिया में मिलते हैं और ये सिर्फ 4 ही हैं जो पॉइजनस है, बाकी और कोई स्नेक पॉइजनस नहीं होता। अगर इन चारों में से आपको किसने काटा है देन थोड़े खतरे की बात है, अदरवाइज नहीं, चारों के ही आपको पता है कि स्नेक्स, कैसे पता लगता है कि स्नेक्स पॉइजनस है या नहीं, अगर उसके फैंग्स होते हैं। फैंग्स क्या होते हैं? आगे के जो 2 दांत है अपर जॉ में, 2 दांत अगर बाहर की तरफ निकले हुए हैं तो यानी कि वो पॉइजनस स्नेक है, अगर ऐसा नहीं है तो वो पॉइजनस स्नेक आपका नहीं है। जो अपर जॉ में फैंग्स होते हैं उनका सीधा कनेक्शन उनकी वेनम ग्लैंड से होता है, वेनम ग्लैंड जहाँ पर कि आपका पॉइजन सीक्रेट प्रोड्यूस होता है। ओके जैसे वो दांत आपकी बॉडी में जाएंगे उनमें से पॉइजनस सीक्रेट होगा, वो पॉइजन आपकी बॉडी में चला जाएगा। ये पूरी की पूरा जो प्रोसेस है मैंने बताया हुआ है आपको कि इसकी दवाइयाँ कैसे बनती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर आपने लास्ट में वीडियो देखी, अगर नहीं देखी तो आप एक बार जाके जो आपकी स्नेक चार्मर्स की स्टोरी ऑफ अ स्नेक चार्मर की क्विज की जो वीडियो है 5th की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, आप उसको देखिए पहले, वहाँ से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी स्नेक्स के बारे में। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
वाई डज अ डॉग स्निफ़ हेयर एंड देयर, डॉग्स जो होते हैं वो यहाँ वहाँ स्निफ़ क्यों करते हैं, सूंघते रहते हैं, आपने देखा होगा। तो इसका आंसर आप लिखेंगे डॉग्स स्निफ़ हेयर एंड देयर बिकॉज, क्योंकि दे हैव ग्रेट सेंस ऑफ स्मेल, उनकी जो सेंस ऑफ स्मेल होती है वो बहुत अच्छी होती है, ग्रेट सेंस ऑफ स्मेल, सूंघने की जो शक्ति होती है डॉग्स की वो बहुत अच्छी होती है। ह्यूमन बींग जैसे चीज़ों को देख के पहचानते हैं, आप देख के ही बता देंगे दिस इज़ पिज़्ज़ा, खाने की कोई चीज़ होगी, ऐसे जो डॉग्स हैं आपके, ऑल्दो उनकी देखने की शक्ति भी अच्छी होती है बट वो स्निफ करके बहुत जल्दी पहचान लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट डज आवर सलाइवा डू इन आवर माउथ, हमारे माउथ मुंह में जो सलाइवा होता है वो क्या करता है, तो सलाइवा का काम क्या है, सलाइवा में आपको पता होगा सलाइवा जो होता है दैट इज़ 98% वाटर, उसमें 98% पानी होता है आपका, जो कि आपके फूड को सॉफ्ट कर देता है। जैसे आप खाएंगे अगर सलाइवा ना हो तो बहुत आपका हार्ड रहेगा फूड, वो फूड को सॉफ्ट कर देता है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे इट मॉइस्टन द फूड, मॉइस्चर थोड़ा सा मिक्स कर देता है उसमें, मॉइस्टन द फूड सो दैट इट कैन बी स्वालोड ईजीली, सो दैट इट कैन बी स्वालोड एस डब्ल्यू ए डबल एल ओ डब्ल्यू ई डी स्वालोड ईजीली, ताकि आप इजीली उसको स्वालो कर सके, निगल सके, ओके। तो ये आपके सलाइवा का काम है। वैसे सलाइवा में एंजाइम्स भी होते हैं लेकिन वो आप 7th-8th क्लास में पढ़ेंगे, अभी आपके लिए इतना ही है कि ये फूड को, सलाइवा जो है उसके फूड के साथ मिक्स होके, क्योंकि इसमें वाटर होता है तो फूड को ये सॉफ्ट बना देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम वेयर डिड फंगी केम ऑन स्पॉइल्ड फूड, जब आपका फूड ख़राब हो जाता है तो उस पर फंगस जो होती है वो कहाँ से आ जाती है। तो देखिए फंगस जो होती है, ये मैंने जब आपको फूड वीट चैप्टर कराया था उसको एक बार अच्छे से देख लो, उसमें मैंने फंगस के बारे में आपको बताया हुआ है, उसकी एक वर्कशीट भी आई थिंक आपके आपको मिल जाएगी इसमें, कि फंगस जो होती है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो ऑलरेडी हमारे एनवायरमेंट में होते हैं, उसको सिर्फ फेवरेबल कंडीशन चाहिए। फेवरेबल कंडीशन क्या होती है, उसकी मॉइस्चर, जहाँ पे उसको थोड़ा सा मॉइस्चर मिलेगा फूड के ऊपर वो वहीं पर ही ग्रोथ करने लगती है, सिर्फ ग्रोथ के लिए उसको फेवरेबल कंडीशन चाहिए। तो फूड अगर आपका थोड़ा सा भी उसमें मॉइस्चर है, पानी है, जैसे कि हमने देखा था एक ब्रेड को हमने थोड़ा सा गीला करके जब रखा था तो उस पर बहुत जल्दी फंगस आ गई थी, तो जैसे उसको थोड़ी सी फेवरेबल कंडीशन मिलेगी वो उस पर उसमें ग्रो करना स्टार्ट कर देती है फंगस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डाइजेशन एंड हाउ इट टेक्स प्लेस, डाइजेशन क्या है और ये कैसे होता है। तो डाइजेशन है आपका, अगर मैं सीधी लैंग्वेज में बताऊं कि द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स, आपके जो फूड के बड़े जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको ब्रेक करके जब आप छोटे छोटे पानी में सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में तोड़ देते हैं तो दैट इज़ डाइजेशन, डाइजेशन का पूरा यही प्रोसेस होता है। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि डाइजेशन हमारा होता है मिक्सिंग ऑफ फूड, फूड को मिक्स करना सलाइवा के साथ, देन इट्स मोमेंट थ्रू, एक सेकेंड, इट्स मोमेंट वो चला गया, आपने देख ही लिया होगा क्या लिखा है, इट्स मोमेंट थ्रू डाइजेस्टिव ट्रैक। अब डाइजेस्टिव ट्रैक क्या है इसका, एक सेकेंड मैं आपको डाइजेस्टिव ट्रैक, एक सेकेंड मैं आपको ह्यूमन बॉडी का डाइजेस्टिव ट्रैक एक बार दिखा देती हूँ। देखिए ये हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक है, आपका जो आपका फूड डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो बिगिंस विद माउथ, मुंह से स्टार्ट हो जाता है वो, यहाँ से आप फूड जैसे खाएंगे उसको च्यू करेंगे, उसके बाद स्वालो करेंगे, चबाएंगे, उसके बाद उसमें सलाइवा मिल जाएगा, आप स्वालो करेंगे तो ये ईसोफेगस में जाएगा, ये जो आपकी ये आपको दिख रही है ये ईसोफेगस इसको हम बोलते हैं, देन वो स्टमक में जाएगा, ये स्टमक है, अलग अलग जगह पर अलग अलग काम है, आपको अभी इतना जानने की ज़रूरत नहीं है। देन वो ये पेनक्रियाज और ये लिवर है आपका, इनमें फूड नहीं जाता ऑल्दो इनका भी इंपॉर्टेंट काम है डाइजेशन में, देन वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। फूड का जो डाइजेशन का प्रोसेस है एक्चुअली वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही खत्म हो जाता है, तो आप इसका आंसर ये भी लिख सकते हैं, ये आपको दिखा दिया है, ये हमारा डाइजेशन का जो ट्रैक है वो है पूरा, ठीक है। तो देखिए इसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि डाइजेशन जो होता है दैट बिगिंस विद, इसने कहा ना हाउ इट टेक्स प्लेस, कैसे होता है डाइजेशन, तो आप लिखेंगे इट बिगिंस इन माउथ, ये मुंह में स्टार्ट होता है, वेयर जहाँ पर वी च्यू एंड स्वेलो, हम फूड को चबाते हैं एंड स्वेलो करते हैं, एंड कंप्लीटेड इन, और कंप्लीट कहाँ होता है ये, इन स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत जिसको आप बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन,
ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन में ये कंप्लीट होता है। तो ये आप इसका आंसर लिख सकते हैं, लिखना चाहे तो। बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं आपके जो टीचर ने लिखवाया, आप वो लिख दीजिएगा इसमें, या तो ये लिखवाया हो या फिर आपको लिखवाया प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉल वाटर सॉल्यूबल मॉलिक्यूल्स, ये भी लिखवा सकते हैं, या फिर ये भी लिखवा सकते हैं कि मिक्सिंग ऑफ फूड एंड मूवमेंट थ्रू डाइजेस्टिव ट्रैक। जो भी आपके टीचर ने आपको लिखवाया डाइजेशन का डेफिनेशन, वही आप इसमें लिख देंगे। नेक्स्ट है आपका डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स पे आते हैं, 15 मार्क्स का आपका थर्ड जो कॉम्पिटेंसी है ये है। इसमें पहला क्वेश्चन आपका फंक्शन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का क्या फंक्शन है हमारी बॉडी में। तो ग्लूकोज जो है दैट इज़ सोर्स ऑफ एनर्जी, बस इतना ही लिख दीजिए आप, वो काफ़ी है। हमारी जो सेल्स होती है बॉडी में उनके लिए सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारा ग्लूकोज, ठीक है। नेक्स्ट इज इफ एनिमल फॉल सिक, अगर एनिमल बीमार हो जाता है व्हाट विल यू डू, तो आप क्या करेंगे, वी विल टेक वेटरनरी हेल्प। वेटरनरी डॉक्टर आपने सुने होंगे, जो जानवरों के डॉक्टर होते हैं, है ना। नेक्स्ट इज थर्ड इज स्नेक्स आर कॉल्ड द फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स, वाई, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ जब हमने क्विज की थी। स्नेक्स को फार्मर के फ्रेंड क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो जो उनके खेतों में जो माइस जो होते हैं, चूहे जो होते हैं, उनको खा जाते हैं, बिकॉज दे ईट माइस, ओके, दैट इज़ वाई उनको स्नेक्स को फार्मर का फ्रेंड कहा जाता है। माउस आपको पता ही होगा क्या करता है, वो फसल ख़राब कर देता है, और अगर स्नेक उसको खा रहा है या फिर छोटे जो इंसेक्ट्स हैं उनको खा रहा है खेत में, तो यानी कि वो उसका फ्रेंड ही हुआ। फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट वुड हैपन इफ़ यू ईट स्पॉइल्ड फूड, अगर आप ख़राब खाना खा लेते हैं तो क्या होगा, तो क्या लिखेंगे आप, वी विल फॉल सिक, हम क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन यू बाय एनीथिंग फ्रॉम मार्केट, जब आप मार्केट से कुछ खरीदते हैं व्हाट डू यू सी ऑन द पैकेट, आप पैकेट पे क्या देखते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए, इसलिए दो आपको लाइंस दी हुई है। सबसे पहले तो आप MRP देखते होंगे, मैक्सिमम रिटेल प्राइस कितने रुपए हैं उसके। उसके बाद आप उसका एक्सपायरी डेट देखते होंगे, कब वो एक्सपायर हो रहा है, एक्सपायरी डेट। नेक्स्ट और आप क्या देख सकते हैं, आप इंग्रेडिएंट्स देख सकते हैं कि उसके अंदर क्या क्या है, हाउ टू यूज़ देख सकते हैं, वार्निंग कुछ दी हुई है वो देख सकते हैं, है ना। तो कोई भी आप जब चीज़ें खरीदते हैं तो क्या क्या देखते हैं उस पर, ISI या फिर अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें खरीद रहे हैं तो ISI, इन सब का मार्क भी देख सकते हैं आप, ओके। सो ये कुछ चीज़ें आप अपनी तरफ से भी इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती है पैकेट पे जब आप कोई चीज़ खरीद के लाते हैं देखने के लिए। नेक्स्ट इज व्हेन यू हैव कोल्ड, जब आपको कोल्ड होता है, जुकाम होता है, व्हाई यू कांट टेस्ट फूड प्रॉपरली, तो आप फूड को प्रॉपरली टेस्ट क्यों नहीं कर पाते हैं। तो देखिए जो टेस्ट का फ्लेवर है, जो किसी भी चीज़ का टेस्ट जो होता है इज़ प्रोड्यूस्ड ओनली व्हेन टेस्ट इज़ कम्बाइंड विद स्मेल, जब आपका टेस्ट और स्मेल जो है दोनों कम्बाइंड होते हैं तब एक फ्लेवर आता है आपको। अब क्योंकि नोज़ आपकी ब्लॉक है ड्यू टू कोल्ड, तो वो आपको क्या हो रहा है, स्मेल नहीं जा पा रही, स्मेल नहीं जाएगी तो आपको प्रॉपर टेस्ट नहीं आता है, फ्लेवर नहीं आता है जो है फूड में। तो ये आप लिख सकते हैं दैट फ्लेवर ऑफ टेस्ट इज प्रोड्यूस्ड, PRODUCED, प्रोड्यूस्ड ओनली व्हेन टेस्ट इज कम्बाइंड विद स्मेल, बस इतना ही काफ़ी होगा। जब स्मेल के साथ वो कम्बाइंड होता है तभी आपको फ्लेवर आता है किसी चीज़ का, तो अगर स्मेल नहीं आ रही तो आप अच्छे से उसको टेस्ट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हमेशा मैंने देखा है कि ये तो क्वेश्चन आपका टंग का डिफरेंट पार्ट से, किस पार्ट से आप क्या टेस्ट करते हैं, ज़रूर आता है क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका विच टेस्ट डू यू फील वेयर, आप पिक्चर में आपको दिखाना है, तो देखिए इसकी मैं पिक्चर आपको दिखा देती हूँ, टंग के किस पार्ट से आपका कैसा टेस्ट आपको मिलता है। देखिए ये टंग है आपकी, सबसे आगे का जो पार्ट होता है ये आपका स्वीट जो चीज़ें उनको टेस्ट करने के लिए काम आता है। ये लेफ्ट साइड में जो है टंग का जो लेफ्ट साइड है, आप देखने से राइट लग रहा होगा आपको, टंग का लेफ्ट साइड आपका सॉल्टी के लिए आता है, ये सोर के लिए, ठीक है ना, लेफ्ट एंड राइट दोनों जो साइड वाले आपका जो पार्ट होता है, और लास्ट पार्ट जो है वो बिटरनेस, जो कड़वी चीज़ें होती है, आपने देखा होगा जब आप दवाइयाँ लेते हैं तो जनरली कड़वा जो लगता है वो हमारे थ्रॉट गले में, आप बोलते हैं ना गला पूरा कड़वा हो गया है, क्योंकि जो बिटरनेस है वो टेस्ट जो है वो आपके टंग के सबसे लास्ट में है उसका टेस्ट बर्ड, ओके। सो ये आपके, ये आपको पता होनी चाहिए कि आपका कौन कौन सा टेस्ट बर्ड कहाँ पर है, सबसे आगे स्वीट, देन सॉल्टी लेफ्ट एंड राइट में, देन सॉर एंड लास्ट में आपका बिटर, ठीक। चलिए तो ये हो जाएगा क्वेश्चन, आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाउ विल यू प्रिजर्व द फूड, राइट द मेथड फॉर इट, आपको कुछ
फूड आइटम्स के नाम दिए हों, आप उनको कैसे प्रिजर्व करके रखेंगे, आपको उस मेथड का नाम लिखना है। सबसे पहला है मिल्क, दूध अगर आपको प्रिजर्व करके रखना है कि वो ख़राब ना हो तो क्या तरीका हो सकता है, दो इसके तरीके। फर्स्ट यू हैव टू बॉयल, पहले आप उसको बॉयल करेंगे, कूल करेंगे एंड देन रेफ्रिजरेटर में रखेंगे, रेफ्रिजरेशन, रेफ्रिजरेशन, ओके। नेक्स्ट इज कुक्ड राइस, अगर राइस आपने बना दिए हैं, कुछ बच गए हैं, तो क्या करेंगे आप उनको, जो रिमेनिंग राइस है यू विल पुट इट इन रेफ्रिजरेटर, आप उनको रेफ्रिजरेटर में रखेंगे, ओके। नेक्स्ट इज ग्रीन कोरिएंडर, हरा धनिया अगर है तो आप उसको कैसे करेंगे, उसको रैप इट इनटू अ डैम्प क्लोथ, बाय रैपिंग उसको लपेट देंगे, रैपिंग इनटू अ डैम्प, डैम्प होता है गीला कपड़ा जो होगा आपका, उसमें उसको रैप करके रख देंगे तो वो जल्दी ख़राब नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा अनियन एंड गार्लिक, अनियन एंड गार्लिक के लिए यही है कि यू हैव टू कीप देम एट ड्राई प्लेस, कीपिंग इन ड्राई प्लेस, मॉइस्चर नहीं होना चाहिए वहाँ पे, अगर ड्राई रहेगा, जगह ड्राई रहेगी तो वो ख़राब नहीं होगा। नेक्स्ट इज़ व्हीट फ्लावर, जो आपका गेहूं का आटा है उसको आप कैसे प्रिजर्व करके रख सकते हैं, बाय कीपिंग इट इनटू प्रॉपरली सील्ड कंटेनर, कीपिंग इन सील्ड कंटेनर जिसमें कि हवा अंदर ना जा सके, अगर ऐसे कंटेनर में आप आटा रखते हैं अपना तो वो जल्दी ख़राब नहीं होगा, ओके। सो ये कुछ मेथड्स हैं आपके जो डिफरेंट आपके फूड आइटम्स हैं उनको प्रिजर्व करने के। चलिए होपफुली आपने, आपको काफ़ी कुछ पता लग गया होगा कि किस तरीके का पेपर आता है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि आपको ये पता लग गया होगा कि आपकी प्रिपरेशन कितनी है। आपने पेपर देख लिया, अगर ये पेपर आपको अगस्त में आता तो सोचिए आप कितने मार्क्स ला सकते थे, कितने क्वेश्चंस आपको इसमें आते थे, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर दीजिए। जल्दी ही आपको एक क्विज मिलने वाली है सारे चैप्टर्स की, जितने आपके चैप्टर हो चुके हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट एक और क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे ऑफ अनदर सब्जेक्ट। थैंक्स अगेन।